शिक्षा प्रथा है जो कितने सालों से चली आ रही है, वो बच्चों को ही क्यों खड़ा किया जाता है और आज क्या रहा है? मैं घनश्याम परियार, स्वस्थ आवास विकास समिति को सदस्य। यह आका टीज के ऊपर जो कार्यक्रम होता है दड़ी का आयोजन, इसमें दो अबोध बच्चों को इसलिए लिया जाता है कि ये बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं, जिनको कि किसी भी तरह की राजनीति, किसी तरह का दबाव नहीं होता है, सिर्फ अपने मन से मन को शांत और स्वच्छ और स्वस्थ निर्मलता के साथ रहते हैं। इसलिए इन बच्चों को हम बुजुर्गों के द्वारा ये परिपाटी चलते ही है। यह आज की नहीं है, यह करीबन 300 साल हमारी समझ से, बाकी तो बुजुर्गों ने तो बहुत पुरानी परिपाटी बताई है इस चीज को, लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है, हमने जहाँ तक देखा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त किया है, हमारे बुजुर्गों द्वारा सुना, उसके 300 साल के आसपास लगभग ये परिपाटी चलती आई है। और ये इसमें हमें मौसम का, राजनीति का, प्लस ये जितने भी बीमारी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, इसका अवबोध कराया जाता है। अब की बार आज भी आपने देखा था, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने का मतलब ये होता है कि अब की बार बीमारी का प्रकोप ज्यादा होगा। ऐसा ही परिस्थिति हमारी बनी थी 2019 के अंदर भी, ऐसे ही एक बच्चा वेदी से गिर गया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिल गया 2020 के अंदर, कोरोना बीमारी आई थी जिसका लाइलाज था, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया और हमारे देश में बहुत अच्छी सुविधा हुई। वैसे ही अब की बार इतना होते के बावजूद भी अब भी वापस बीमारी का प्रकोप होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें को देखने को मिला है। साथ ही राजनीति में भी हमको ये देखने को मिला है कि अब की बार जो लाल पट्टी, एक दो बच्चों के हाथों के ऊपर दो अलग अलग तरह की बांस पट्टी दी जाती है, जिसके ऊपर एक लाल रंग की बिंदी का अंकित की जाती है और एक काले रंग की बिंदी अंकित की जाती है। उसमें काले रंग की बिंदी को हम काल का अनुभव करते हैं उससे, और लाल बिंदी के ऊपर हम सोगाल का। तो अब की बार जो अपन हमने देखा था कि यज्ञ चलते चलते लाल पट्टी थी, लाल बिंदी वाली पट्टी बिल्कुल ऊपर चली गई थी, इससे हमें यह एहसास हुआ, आभास हुआ कि राजनीति में उथल पुथल तो होगा, और लेकिन साथ ही वापस काली पट्टी भी बरोबर ऊपर आ गई थी। इसका आभास हमने ये महसूस किया कि राजनीति में उथल पुथल होने के साथ ही देश में शांतिपूर्वक सरकार चलेगी, ये है राजनीति का। और मौसम है तो अब की बार बारिश तो कम है, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है, तो लोगों को दुख देखने की तकलीफ नहीं होगी और सुचारू रूप से लोगों को अनाज खाने को मिलेगा। और हम लोगों का अभिप्राय यही रहता है कि खाना, रहना और अपना जीवन यापन करना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम ये दड़ी का आयोजन करते हैं, और ये आज की नहीं है, करीबन 300 साल पुरानी परिपाटी चलती आई है। धन्यवाद।